बेटे तू कब तक देखता रहेगा लोगों की मोबाइल में फ्री फायर खेलते हुए? कभी तो तेरा भी दिल करेगा कि मेरा भी खुद का एक मोबाइल हो जिसके अंदर मैं खुद फ्री फायर खेलूं। लेकिन आदमी वहीं पे आके फंस जाते हैं जहां पे पैसे की बात होते हैं। कुछ लोगों के पास तो ज्यादा पैसे होते हैं या फिर कुछ लोगों के रईस बाप होते हैं, लेकिन हालात हमें भी पीछे नहीं छोड़ते हैं। हमारे पास कम पैसे होने के कारण हम अच्छे तरीके से गेम प्ले नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारा तरीका रहते हैं। हम ऐसे गेम प्ले करेंगे, हम वैसे गेम प्ले करेंगे। तो पहले ही बता देता हूं, ये वीडियो जो लोग बहुत अमीर है या फिर जो लोग बहुत रईस है उनके लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो उनके लिए है जिसके पास 7000 से लेकर 8000 रुपया तक रहते हैं, लेकिन वो चाहते मुझे गेमिंग फोन हो, मैं उसके अंदर गेम खेल सकूं, खास करके फ्री फायर खेलूं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा कौन सा डिवाइस है जो अभी के मार्केट में 7000 के अंदर फ्री फायर को अच्छे तरीके से रन करवा देंगे। चलिए फिलहाल बिना वक्त वाए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले बता देता हूं, वही आप सभी देख रहे हैं स्टार्क टेक्नोलॉजी और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह रोनी स्टार्क। तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्क टेक्नोलॉजी। तो मेरे देश के गेमबाजों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Realme C11 के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा डिवाइस है जो 7000 के अंदर आते हैं। उससे बड़ी बात तो ये है, इसके अंदर हालांकि बहुत पावरफुल नहीं, मिड रेंज एक प्रोसेसर दी गई है जो कि गेमिंग प्रोसेसर नाम से माना जाते हैं। इस फोन के अंदर आपको 6.5 इंचेस की एक डिस्प्ले दिखने को मिल जाएंगे। 13 मेगापिक्सल कैमरे के साथ ये मोबाइल आते हैं। दो वेरिएंट में 2 या 3 GB रैम के साथ आते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर आपको 5000 mAh के एक बैटरी नॉन रिमूवेबल दिखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये मोबाइल Realme कंपनी की तरफ से ऑफिशियली रिलीज किया गया था 7 जुलाई 2020 को। सबसे पहले इसके नेटवर्क की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 3 टाइप के नेटवर्क दिखने को मिल जाएंगे, 2G 3G 4G। और गाइस यहाँ पर LTE पर अगर स्पीड की बात करें तो ये आपको LTE नेटवर्क में आपको 11.5 Mbps तक स्पीड दे सकते हैं। अगर गाइस इस मोबाइल की वेट की बात करें, यहाँ पर आपको 196 ग्राम दिखने को मिल जाते हैं। अगर गाइस यहाँ पे सॉल्ट की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 नैनो सिम लगाने की जगह के साथ साथ आपको एक माइक्रो SD कार्ड लगाने की भी जगह दिखने को मिल जाते हैं। अगर गाइस इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की एक डिस्प्ले दिखने को मिल जाते हैं। अगर रेजोल्यूशन की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 720x1560 रेजोल्यूशन दिखने को मिल जाते हैं। OS की बात करें तो यहाँ पे Android 10 Realme UI 1.0 दिखने को मिल जाएंगे। चलो हो चुका बहुत कुछ, अब बात करते हैं GPU CPU के बारे में, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों के दिमाग में ये बैठ जाते हैं जिस फोन का CPU अच्छा है या फिर GPU अच्छा है वो फोन गेमिंग के लिए काफी अच्छा है। हाँ ये बात तो सच है, लेकिन कुछ कुछ चीजें और भी मैटर करते हैं, लेकिन वो सब हम नहीं बताएंगे। यहाँ पे आपको बताएंगे CPU और GPU क्या क्या इसके अंदर दी गई है। अगर चिपसेट की बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio की तरफ से G35 एक चिपसेट दिखने को मिल जाते हैं जो बेस्ड है 12 नैनोमीटर पर। तो आप ये कह सकते हो, थोड़ा बहुत कह सकते हो, इस मोबाइल पे फ्री फायर अच्छे तरीके से चल जाएगा। लेकिन अगर PUBG की बात आए, अगर PUBG खेलना चाहते हो तो उस तौर पर आपको लो क्वालिटी में PUBG रन करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन पे खेलना चाहते हो तो वैसे काम हो जाएंगे जैसे गाड़ी है उसका 4 पहिया भी है, लेकिन हालांकि पहिया में टायर नहीं है, बस रिन रह गए हैं। यहां पर आपको CPU दी जाती है ऑक्टा कोर की तरफ से। और GPU की बात करें तो इसके अंदर GPU आपको दिखने को मिल जाएंगे पावर VRZE8320। गाइस ये मोबाइल आपको 2 वेरिएंट में दिखने को मिल जाएंगे, एक है 32 GB 3 GB रैम और एक है 32 GB 2 GB रैम, यानी स्टोरेज 32 GB है लेकिन रैम कम ज्यादा है। इसके वजह से थोड़ा बहुत पैसों की घाटा या चाटा हो सकते हैं। चलिए अब सब कुछ बता दिया तो उनके बारे में बात करते हैं, उनके मतलब किन के, जो लोग सेल्फी खींचते हैं फोटो निकालते हैं उनके बारे में। यहां पर कैमरे की बात करें तो गाइस यहां पे आपको 2 डुअल कैमरा पीछे की साइड में दिखने के लिए मिल जाएंगे। पहला कैमरा है 13 मेगापिक्सल जो वाइड एंगल लेंस भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, और दूसरा है यानी पीछे ही दूसरा है 2 मेगापिक्सल के जहां पर आपको डेप्थ सेंसर दिखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस हालांकि थोड़ा बहुत आप इसके अंदर
अच्छे से ब्लार भी कर सकते हैं। और वैसे भी नए नए जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसके हिसाब से इसके अंदर आपको कैमरे के फीचर्स में एलईडी फ्लैशलाइट, एचडीआर, पैनोरमा, तीन फीचर्स भी दिखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं उस कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊंगा, तो हाँ जी बिल्कुल कर पाओगे। यहाँ पर आप लोग 1080p 30fps पर वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। गाइस बात करते हैं फ्रंट कैमरे के बारे में, वो सेल्फी वालों के बारे में। तो यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल के दिखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको HDR एंड पैनोरमा सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप वीडियो लगाना चाहते, यानी सामने से वीडियो खींचना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 1080p 30fps पर वीडियो ये फोन निकाल देगा। इसके साथ साथ इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, उसके साथ साथ FM रेडियो, हाँ यहाँ पर NFC आपको नहीं मिलेंगे, हाँ USB पोर्ट मिलेंगे, जहां पर USB भाषण आपको 2.0 दिखने के लिए मिल जाएंगे। आइए आप बात करते हैं बैटरी के बारे में। यहां पर आपको लिपो की तरफ से 5000mAh का एक बैटरी दिखने के लिए मिल जाएंगे। हाँ ये बैटरी नॉन रिमूवेबल है, यानी आप उसको निकाल नहीं सकते हो। उसके साथ आपको एक 10 वाट के चार्जर दिखने के लिए मिल जाएंगे। और हाँ ये फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड नहीं है। तो चलो जैसे कि मैंने अपना खाता बंद कर लिया, सब कुछ आपको बता दिया, अब बात करते हैं बजट के बारे में। ये मोबाइल आपको पेटीएम मॉल एप्लीकेशन के ऊपर या फिर कहीं कहीं ऑनलाइन सर्विस में आपको 7000 के अंदर दिखने के लिए मिल जाएंगे। हालांकि 7040 या 50 भी दिखने को मिल सकते हैं। यहां पर कई कई साइट में आपको ये मोबाइल 7500 में भी दिखने के लिए मिल जाएंगे। तो खरीदने से पहले थोड़ा देखभाल करके खरीदना। और हाँ मेरे दीवानों, और कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये है, अगर आपके दिमाग में कुछ और है, लाइक आपके पास 10,000, 12,000, 13,000, 15,000, 14 या फिर कुछ भी रकम है, उस रकम के अंदर अगर आप एक अच्छे मोबाइल चाहते हैं, अगर नहीं मिल रहे, समझ नहीं पा रहे, तो मुझे कमेंट करो। वो जो नीचे है ना, वहां पे उंगलियों का सही इस्तेमाल करना सीखो, वहां पे कमेंट करो कि किस बजट के अंदर आपको मोबाइल चाहिए, मैं उस तौर पर आपके लिए जरूर वीडियो बना दूंगा। तो जैसे कि मैंने बताया उंगलियों का सही उपयोग सीखो, तो सब्सक्राइब करो उंगलियों से, और उसके बाद वो जो थम्स अप लाइक वाला बटन है उसको भी दबा दो। आइए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक आप सारे लोग बेहद खुश रहो एंड साथ ही साथ अपने फैमिली का अच्छे तरीके से ध्यान रखो। और हाँ जो लोग सोच रहे हो कि मैं 10,000 के अंदर एक पुराने आईफोन खरीद लूंगा, तो उनको बता देता हूं अगले महीने मिशन मंगल जाने के लिए एक बंदरों का प्लेन जा रहे हैं, तो उसमें आप चढ़ जाना, क्योंकि 10,000 वाला आईफोन आपको मंगल पे ही मिलेंगे। और हाँ धरती पे जब वापस आओगे तो वो मोबाइल मुझे जरूर देना, क्योंकि मैं उसका रिव्यू इसी चैनल पे करूंगा।